खड़े हो सकते हैं और कुछ ही मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर दर्शन पूजन तर्पण करेंगे, जटायु दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, कार्मिकों से मिलेंगे और प्रस्थान करेंगे। डाक विभाग के अधिकारी उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए, मंच के पीछे। Thank you.
सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है और कहा गया है कि तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का, ये ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि हैं, क्योंकि हमारी ही संस्कृति समता की बात करती है और हमारी ही संस्कृति में राज्य राम, राम राज्य की जो संकल्पना है वो आज भी समूचे विश्व के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। माँ सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है वो इस धराधाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण मूर्ति की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है भगवान श्री राम, लोकाभिरामन इस वक्त मन मोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम, इस वक्त गर्भगृह में माँ गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है, और ये सुंदर मेघ श्याम वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं, जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं, जब वो अहिल्या माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते हैं पतित पावन, और जब मिथिला जनकपुर धाम में जाकर मैया सीता के साथ विवाह संस्कार करते हैं तो हो जाते हैं सीताराम। लेकिन भगवान आज न रघुपति हैं, न राजा राम हैं, न पतित पावन हैं, न सीताराम हैं, वो सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन दिवस पर जब भगवान श्री राम पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, तो माँ कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होंगी। भगवान सूर्य जिनके वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया इस वक्त जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं भगवान श्री सूर्य भास्कर की किरणें नवमी के दिन भगवान के मस्तक को चूमेंगी, ऐसी प्रतिष्ठा की गई है इस मंदिर की। आप समझिए कि इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। मैं इस वक्त जो मन में मेरे भाव आ रहा है कि इस वक्त त्रिलोकी इस वक्त विह्वल नजर आ रही होगी, भावनाओं में नजर आ रही होगी। इन स्वर्ग लोक में इंद्र इस वक्त मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवता इस वक्त नृत्य कर रहे होंगे, हनुमान लला हनुमंत लाल इस वक्त नाच के श्री राम जय राम जय जय राम जो भी जय।
सर पूर्वी सीढ़ियों की ओर आकर No, you are not interested. This area only. मस्तक नमन किया है ईशान कोण के में बैठे हुए आग्नेय कोण में बैठे हुए संत महापुरुषों को अपना मस्तक नमाकर प्रणाम निवेदन किया है। अब दक्षिण दिशा में बैठे हुए समाज के गणमान्य नागरिकों को प्रधानमंत्री जी अपना अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर देश की लगभग 150 परंपराओं के संत और सभी विधाओं के श्रेष्ठ पुरुष उपस्थित हैं। स्वस्ति वाचन हरि ओम भद्रांगारणे श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षोभिर्जाजतराः स्थिरैरंगै सुष्टुवाग्सस्तानु विर्व्याशे इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा वृषभवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सुशान्तिर्भवतु। हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज उडुपी मठ पेजावर मठ के मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेन्द्र दास जी महाराज को निवेदन करता हूं मंच पर पधारें और वस्त्र भेंट कर